देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में वफाक की सूरत हाल की तरफ अगर जरा नजर डालें तो इस वक्त सूरत हाल कुछ पेचीदा सी नजर आती है, जहां पे पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दाखला जनाब राणा सनाउल्लाह के हवाले से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। वहीं पे मुस्लिम नून की जानिब से ताबड़ तोड़ बयान का सिलसिला भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। खान साहब पहले ही एक एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे थे और हर रोज एक नए जलसे में खान साहब एक धुआंधार तकरीर करते हुए दिखाई देते हैं। अपने कारकुनों का जोश जहां पे गरमाते हुए दिखाई देते हैं, लहू गरमाया दिखा देते हैं, वहीं पर मौजूदा हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से भी इसका भरपूर रद्देमल दिया जा रहा है, लेकिन इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जिस अंदाज से गुज़श्ता दिनों में मजहबी जज्बात को भारने की कोशिश की गई, जैसे कि माजी में कुछ दिनों पहले जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कुछ बयानात आए, वो बयानात कुछ मुतनाज़ा भी रहे, उनके ऊपर सवालात भी उठाए गए और उन बयानात की रोशनी में क्या पाकिस्तान में मजहब कार्ड का इस्तेमाल ये दुरुस्त होगा या नहीं, इसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब मीर असद मिरन साहब, बलूचिस्तान से सीनियर साहब की तजियाकार हैं। इनसे जरा मालूम करते हैं कि सियासत में मजहब का जो कार्ड है या मजहब का जो इस्तेमाल है बयानात की सूरत में या तनकीद की सूरत में, ये किस कितना पुराना है और ये रविश कब से चली आ रही है। मीर साहब अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मीर साहब, मजहब का इस्तेमाल और पाकिस्तान जैसे मुल्क में मजहब का इस्तेमाल जहां पे लोग इसको बड़े सीने से लगा कर रखते हैं, लोगों के नजदीक इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, ऐसे माशरे में मजहब का इस्तेमाल करते हुए किसी को बुरा भला कहना, किसी को मुस्लिम या गैर मुस्लिम का सर्टिफिकेट बांटना, किसी को काफिर कह देना या इस तरह के अल्फाज अलकाबात से नवाजना पाकिस्तान की सियासत में नया तो नहीं है, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि इतने साल गुजर गए हमारे सियासतदान आज भी ज़हनी पुख्तगी पे ना पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले नाज़रीन को मेरा सलाम पहुंचे। बात ये है सर कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान 75 साल होने के बावजूद हम वो शऊर नहीं रख सके जो हमें शऊर होना चाहिए। हम सिर्फ जो है ना अपने लीडर को फॉलो करते हैं, उसके बातों को फॉलो करते हैं, ना कभी पढ़ते हैं, ना कभी जो है ना खुद तशरी कर सकते हैं। हम सिर्फ हमारी बदकिस्मती ये है कि आलिम को फॉलो नहीं करते, मौलवी को फॉलो करते हैं। लीडर साहिबान सियासी मुकाबला करने के अलावा जो है ना वो मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं, जो गैर मुनासिब है। मैं समझता हूँ कि सियासत को सियासत तक रखना चाहिए, ना कि सियासत को मजहबी जनूनियत तक। आपको पता है कि इसी जनूनियत की वजह से लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब को जो है ना मारा गया था, वो ऐसे ही बयान दिए गए थे, हालांकि उसने वो अल्फाज नहीं कहे थे, लेकिन हमारे सियासी लीडरों ने उनके जो है ना वो जज्बात को उबारा। जवानों के आप देखें कि उनके अपने गार्ड्स ने उन पर फायरिंग की, यही जो है ना ये हमारे जो लीडरान कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हमेशा लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में एक मुतनाजा बयान जारी कर दे, बाकी पाकिस्तान की तबाही में हमारा अपना हाथ होता है, जो बिल्कुल गैर मुनासिब है। हमें सियासत को सियासत में लेना चाहिए, सियासी मुकाबला ना करना चाहिए और अपनी कारकर्दगी से आवाम को मुतासिर करना चाहिए, ना कि हम इक्तदार में हो तो हमारे बयान कुछ हो, हम अपोजिशन में हो हमारे हमारे बयान कुछ हो। पहले यही बातें जनाब इमरान खान की पार्टी के लोग करते थे, अभी जो है ना हमारे हुक्मरान जमात को तो बिल्कुल सीना भी फराख रखना चाहिए और उन्हें जो है ना ठंडे मिजाज। और मेरे साहब एक सवाल ये भी तो है ना कि ये जो बयानात अगर आ रहे हैं या इस तरीके के कोई बयानात आ रहे हैं और जो मनसूख किए जा रहे हैं वो सीनियर लीडरशिप की जानिब किए जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हो या जावेद लतीफ साहब हो, मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमाओं में से हैं और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू भी करते हैं, तो अगर इस तरफ अगर बात बढ़ रही है तो कोई वजह तो होगी, क्या कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई गम गुस्सा है, कोई किसी बात का इंतकाम है कि ये बात कही जा रही है। सर मैं समझता हूं कि हमारे लीडर साहिबान वो कारकर्दगी इस 40-45 साल में दिखा नहीं सके जो आवाम मुतासर हो। हम पाकिस्तानी कौम बहुत सादा
सादा कौम है, हम बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। अभी आजकल वीडियो लीक्स हो रही है ना, आप देखिए कि अंदरूनी तौर पर हमारे हुक्मरान क्या सोचते हैं और बैरूनी तौर क्या बयाना देते हैं। इसका मतलब जो है ना, ये अवाम को सिर्फ धोखा देते हैं। काश कि हम लोग जो है ना अपनी कारकर्दगी से, आप देखिए हमारे हमसाया ममालिक सब ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो मतलब दुनिया के मुकाबले में आ गए, यूरोपियन ममालिक मुकाबले में आ गए, लेकिन हम पाकिस्तानी कौम आज तक कर्जों पर चल रहे हैं। जो हुकूमत नया आता है बोलता है साहब ने तबाही मचा दी थी, हमने जो है मुल्क इसको वसाइल को संभालना है, हमने इक्तिसादी अलाची करनी है। अगर जब आप आज इकतदार में है, कल आप अपोजिशन में था, आपने तबाही के लिए क्यों छोड़ा हाकिम को? या आज इमरान खान साहब बोलते हैं साहब को मैंने ऐसे किया, आप देखिए कि इमरान खान साहब के भी जो है ना वो दौर में इतने खुशनुमा दौर नहीं था या सस्ताई नहीं थी। बिल्कुल 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 एग्रीड। अभी देखो वर्ल्ड बैंक के शराइत की वजह से हम लोग आज महंगाई की बुलंदियों को छू रहे हैं। आवाम जो है आप यकीन करें खुदकुशियों पे जो है ना जा रही है। यहाँ कोयटा में सर मैं आपको आपके नोटिस में लाऊं, कोयटा में गुज़श्ता एक माह में कई ऐसे केसेस हुए, भाई ने भाई को मारा है, बेटे ने बाप को मारा है, बाप ने बेटे को मारा है, शोहर ने बीवी को मारा है। ये सब फ्रस्ट्रेशन है, ये सब जो है परेशानियां है। जो इंसान पुरसकून नहीं होता वो अपना गम गुस्सा दूसरों पर उतारता है। अगर यही बयानात हमारे इसी मजहबी तौर रहे तो हम लोग तो एक दूसरे को खुदा ना खास्ता मीर साहब, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर इस तरीके की गुफ्तगू से कोई ऐसा शख्स जो कि कमजोर जहन का हो या कोई ऐसा शख्स किसी ऐसे मोमेंट पे कमजोर लम्हे पे कोई गलत कदम उठा ले और कोई बड़े नुकसान से हमारा मुल्क खुदा न खास्ता इसमें कोई दोचार हो जाए, तो फिर जिम्मेदारी तो छोड़े उसकी भरपाई तो होना तकरीबन नामुमकिन है। सही, आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ बहुत सीनियर सियासतदान है, बहुत तजर्बेकार है, जावेद लतीफ साहब बहुत सीनियर सियासतदान है, इनको तो बातों को चबा चबा के करना चाहिए ताकि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आए जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो। देखो जी, पहले मुल्क फिर हम सब, मुल्क है हम सब जो है ना, सियासत भी करेंगे, मुखालफत भी करेंगे और लीडर भी बनेंगे। अगर खुदा खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचा तो ये हम तबाही की तरफ जाएंगे, फिर तो हमारे जो है ना हाकिम हमारे दोस्त नहीं, हमारे कौम के दुश्मन है सारे। तो और मीर साहब ये जरा बताएं कि ये तो तमाम तर गुफ्तगू चल रही है, लफ्जों के निश्तर भी बरसाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी भी की जा रही है, दूसरी जानब वफाक पर कहीं ना कहीं इस हवाले से सवालात भी हैं कि जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने में मसरूफ है और उसको नाकाम बनाने में मसरूफ है, तो दूसरी जानब दूसरे मामला भी हैं, राणा सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, दूसरी जानब वो इस्लामाबाद से बाहर निकलने के तैयार नहीं है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है वो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार नहीं है, क्या होने क्या जा रहा है? सर मैंने आपसे कहा कि मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब सियासत खेल रहे हैं। जब ये इक्तदार में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत अच्छा होता है, ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी होती है, सबके साथ इनके ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं, फिर जब अपोजिशन में चले जाते हैं फिर इसी एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो मिन्नतदारी करके गुस्से की शिकायत करके इक्तदार में आने की कोशिश करते हैं, फिर जब इक्तदार से जाते हैं असल है कारकर्दगी है सर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में स्टेम पर किसी सियासतदान ने आवाम को मुतमइन नहीं किया। आज 50% महंगाई हो गई है, लोग खुदकशियों पर मजबूर हो गए हैं, ये हमेशा हम उधार ले लेकर जब जिंदगी गुजारेंगे फिर उधार का अंजाम यही होगा, बैन अलाकवामी दुनिया से जब उधार देगी हम पे पाबंदियां भी लगाएगी, शराइत भी मनवाएगी और हम जो है ना उनके हर शरारत के पाबंद होंगे। जो आवाम आपको पता है मजबूर है, आज बिजली और गैस का क्या हाल है? इस टाइम कोयटा में आप यकीन करें गैस बिल्कुल नहीं है, बिजली का 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग है,
और सर्दी शुरू हो गई है, सर्दियों में कोयटा के लोग या सर्द इलाकों के लोग कैसे गुजारा करेंगे? ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको नहीं लगता मीर साहब कि हमारे यहाँ पे जो सियासी क़यादत है उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है, और वो तो अपने कोई वतन वापसी के हवाले से कुछ मंजूरियां चाहता है, कोई इस्लामाबाद रवानगी के लिए कुछ मामला को तय होना चाहता है, तो कहीं ना कहीं तो तमाम दर इस वक्त जो सियासी टोला है वो अपनी अपनी में मसरूफ है। मैं तकरीबन 45 साल से सियासत से वाबस्ता हूँ, लेकारी तो 10-15 साल से, ऐसे तो ऐसे मीडिया से बहुत ताल्लुक रहा है, लेकिन मैंने जनाब जुल्फकार अली भुट्टो से आज तक जब भी देखा है हमारे हाकिम डील करके आते हैं, अपने मुफादात के तहत आते हैं, इन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं है, न कल थी न आज है न कल रहेगी, सिर्फ जज्बाती तकरीरें करके आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। आप यकीन करें कि इस टाइम पर कई कई हजारों कारकुन जो है ना मुख्तलिफ पार्टियों के बदजन हो गए सियासत से, अगर सियासत झूठ फरेब का नाम है, सियासतदान बन के चोरियां करनी है। आप देखिए हमारे बलूचिस्तान में इस टाइम पर बिल्कुल काम रुके हुए हैं, सिस्टम कोलैप्स है, एक बार फिर बोलते हैं नया वजीर आला आएगा, फिर जो है ना जोड़ तोड़ शुरू हो गया। हमारे यहाँ जैसे फुटबॉल का मैच नहीं है, 6 महीने बाद जो है ना एक मुकाबला होता है, तो इसी तरह पाकिस्तान में इसी तरह अपोजिशन में बैठना कोई नहीं चाहता है। या तो आप लोग कानून साजी करें, पांच साल के बदले 2 साल बाद इलेक्शन कराए, इस दफा तुम्हारी बारी अगली बार मेरी बारी, बस ये धंधा चालू रखे, आवाम बेवकूफ है, सबके पीछे जाती रही। और मीर साहब आपने बलूचिस्तान का तो तस्करा किया कि वहां पे यकीनी तौर पे चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के हवाले से कोशिशें जारी हैं, आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट इस वक्त अक्टूबर का महीना चला आम महीना और उसके बाद नवंबर का महीना भी है, क्या लॉन्ग मार्च होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या मौजूदा हुकूमत को लॉन्ग मार्च की तैयारियां करनी चाहिए या महज खान साहब इसको सियासी शोभदाबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? सर देखिए, सामने लॉन्ग मार्च की बातें करते हैं, बैकग्राउंड में जो है ना मुज़ाकरात करते हैं, बैकग्राउंड में जो है ना अपने मुफादात चाहते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हम आवाम बेवकूफ है, सिर्फ जज्बात में आते हैं। अगर लॉन्ग मार्च से मुल्क को फायदा है तो आप इमरान खान साहब 1000 बार करें, अगर लॉन्ग मार्च से मुल्क को नुकसान है, इक्तिसादी हालात खराब होंगे, अफरा तफरी होगा, स्टॉक एक्सचेंज गिरेगा, बेदल अकवामी पैसा नहीं आएगा। आज मुल्क में गंदम ना होने के बराबर है सर, कहा 55 रुपए कहा 120 रुपए, बिल्कुल सही। आज चीनी शार्ट हो रहा है, आप देखिए गोश्त जो 700 रुपए किलो था वो अभी 1500 रुपए किलो है, बिल्कुल सही। बैल का गोश्त जो है ना 300 रुपया था वो जो 800 रुपए है, चिकन हमारे यहाँ 150 रुपया था आज 500-600 रुपए है, इंतहाई। इसी तरह टमाटर 200-250 रुपए किलो है सर, आवाम जो है बहुत तकलीफ में है, हमारे आवाम तकलीफ में सोचना चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने आवाम के दुखों का जिस अंदाज से मुकदमा पेश किया, लेकिन मैं माजत के साथ आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि शायद ही हुक्मरान इस हवाले से कुछ पेशरफ्त करते हुए दिखाई दें, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान हों, माजी में रही हुकूमतें हों या आने वाली जो हुकूमतों के दावेदार हों, कोई भी फिलहाल इस तरह के मामलात को हल करने में संजीदा नजर नहीं आता। तमाम तर सियासी जमातों की तमाम तर कुव्वत इस वक्त इस बात के ऊपर सर्फ होती हुई दिखाई देती है कि कौन आने वाले इंतखाबात में ज्यादा सीटें जमा कर सके, कौन अपने सियासी हलीफ के ऊपर बढ़तरी हासिल कर सके और अपनी हुकूमत बना सके, यही इस वक्त महज नजर आता है, और यही सूरत हाल रही तो शायद हालात बहुत जल्द बेकाबू हो सकते हैं। अवाम के बारे में ना सोचा गया तो आवाम फिर अपने फैसले करने के लिए खुद मुख्तार होगी। उम्मीद करते हैं कि जो हो बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के आम आवाम के लिए बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।